अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला ने इतिहास रच दिया है। कुछ एक ऐसा चमत्कार किया जो आज तक ना कभी हुआ था और ना ही कभी होगा। आज रामलला की हर तरफ देश और दुनिया में ये बातचीत की जा रही है, हर तरफ खबर सुनाई दे रही है। मैं हूं आपके साथ में राहुल कुमावत। अयोध्या में राम मंदिर को आम भक्तों के लिए खोल दिया गया है। पहले ही दिन करीब 5 लाख लोगों ने रामलला के दर्शन किए हैं। ये 5 लाख भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा और कहा जा रहा है कि इतने ही 5 लाख लोग अभी दर्शन करने के लिए कतारों में लगे हुए हैं। ये रामलला का किसी चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि इतने भक्त एक साथ एक जगह इतनी बड़ी संख्या में कभी उमड़े नहीं थे और ना कभी ऐसा माना जा रहा है कि उमड़ेंगे। रामलला के प्रति भक्तों का ही प्यार है जो उन्हें वहां तक खींच के लेकर आया है। इसी बीच प्रशासन ने भी अपील की है भक्तों से कि वो 10 से 15 दिनों के बाद में मंदिर में दर्शन करने के लिए आए। इसी बीच सुरक्षा व्यवस्था को अलर्ट रखने के लिए और जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खुद मैदान में उतरना पड़ा है और उनका भी यही कहना है कि ये रामलला का किसी चमत्कार से कम नहीं है। श्रद्धालुओं की अपेक्षा से अधिक तादाद में पहुंचने से मंदिर प्रशासन और सुरक्षा बलों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी है। मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में तिल रखने भर की जगह नहीं बची। कड़ाके की सर्दी और घने कोहरे के बावजूद बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक जय श्री राम के नारे लगाते हुए मंदिर परिसर की ओर जाते हुए दिखे। हालात को नियंत्रण करने के लिए प्रशासन ने अपील भी की है और राम भक्त हड़बड़ाहट में ना आए, ये प्रशासन का कहना है। 10 से 15 दिन बाद अयोध्या आए और आराम से दर्शन करें। इसी बीच खबर सामने आई है कि अयोध्या राम मंदिर में भीड़ को बेकाबू होता देख जिला प्रशासन ने लखनऊ से अयोध्या जाने वाली बसों पर रोक लगा दी है। श्रद्धालुओं की भीड़ के कारण अयोध्या मंदिर की ओर आने वाले सभी रास्तों को भी बंद करना पड़ा। अयोध्या आने वाले सभी बसों को अगले आदेश तक रोका गया है। मंदिर की ओर से आने वाले रास्तों को 4 से 5 किलोमीटर पहले ही बंद कर दिया गया है। अयोध्या का प्रवेश द्वार बाराबंकी में पुलिस ने अयोध्या की ओर जाने वाले सभी वाहन मार्गों पर परिवर्तित कर दिया है। अयोध्या में भीड़ इतनी है कि बाराबंकी में लखनऊ अयोध्या हाईवे को रोक दिया गया है। किसी को आगे जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। इससे हजारों लोग बाराबंकी से लेकर लखनऊ के बीच में फंस गए। परिवहन विभाग का कहना है कि अगले आदेश तक ये बसें नहीं चलेगी। इन बसों में ऑनलाइन बुकिंग करा चुके यात्रियों के टिकट कैंसिल करके पैसा रिफंड किया जाएगा। इधर भीड़ के प्रबंधन के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ खुद मैदान में उतरना पड़ा। उन्होंने हेलीकॉप्टर से भीड़ का जायजा भी लिया। शाम करीब 6 बजे तक 3 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने रामलला के दर्शन कर लिए थे। कपाट बंद होने तक ये सिलसिला चलता रहा। बताया गया है कि 22 जनवरी को गणमान्य लोगों को दर्शन के बाद श्रद्धालु बैरिकेड्स पर खड़े रहे। दर्शनों के लिए लोग रात 11 बजे से ही लाइन में लग गए थे। सुबह 3 बजे ये सिलसिला और तेज हो गया था। इसी वजह से पहले दिन यहां पर भक्तों के लिए मंदिर खुला था और 5 लाख से अधिक भक्तों ने दर्शन किए हैं और 5 लाख से अधिक भक्त अभी भी दर्शनों के लिए कतार में लगे हुए हैं। तो अयोध्या में एक तरह से रामलला के दर्शन के लिए आस्था का जन सैलाब उमड़ गया। इस दौरान प्रशासन ने भी सभी भक्तों से अपील की है कि आप हड़बड़ाहट ना करें, आराम से दर्शन कीजिए। 10 से 15 दिनों के बाद में आप राम मंदिर आए और आराम से दर्शन कीजिए।